महानगर के थाना गलशहीद अंतर्गत बड़ी मस्जिद असालतपुरा निवासी मोहम्मद शहजाद कुरैशी नामक युवक की नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रजवान कुरैशी द्वारा कथित पिटाई किए जाने से संबंधित वायरल वीडियो महानगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमवार को मोहम्मद शहजाद कुरैशी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने ये बताया कि वे नगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी के पोलिंग एजेंट रहे हैं। आरोप है किसी कारण हाजी रिजवान कुरैशी ने अन्य लोगों के साथ उसे अपने कार्यालय में बंद करके मारा पीटा और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़ित ने कहा कि उसे लोगों से जान का खतरा है। पीड़ित ने SSP से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने एवं उसे सुरक्षा प्रदान किए जाने की बात कही है। पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित मोहम्मद शहजाद कुरैशी ने बताया, मामला यह है कि हाजी रिजवान कुरैशी हैं कांग्रेस के 28 विधानसभा से प्रत्याशी हैं और उनका एक भांजा है जिससे मेरी जो है चुनावी रंजिश चल रही थी बहुत पहले से, मतलब करीबन एक महीने से ये बात चल रही थी। अभी 12 तारीख को उन्होंने मुझे हाजी रिजवान कुरैशी जो है उन्होंने मुझे 10 तारीख में भी बनातुर कुरैश में आन के जो है मैं हाजी यूसुफ अंसारी साहब का जो है एजेंट बना हुआ था वहाँ आन के भी उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि भाई उससे 10 तारीख के बाद में निपटूंगा मैं नहीं। और उसके बाद में जो है फिर 12 तारीख को जो है मेरी उनके भांजे से बहुत ज़्यादा नोकझोंक हुई। वो अपनी बात कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था, उसी दौरान उसने जो है मुझे धमकी दी, बोले अगर तुम इतने बड़े वाले बदमाश हो, इतने बड़े वाले वो हो, तो तुम जरा मेरे मामू के सामने क्या के दिखा, तो मैं कह दूंगा। उस पर हाजी रिजवान कुरैशी ने जो है मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे अंदर अपने ऑफिस के भी अंदर जाके जो है एक कमरे के अंदर मुझे मारा। मारने के बाद में जो है बहुत सारे मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इसके ऊपर तमंचा रखो और तमंचा रख के इसको जेल भेजो। ये सारी बातें उनके भाई ने फिजी ने बहुत बुरी तरीके से मारा उनको। उनके एक छोटा बेटा मेरे ख्याल से उसकी उम्र 10 से 12 साल होगी, उस तक ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। नहीं, मैंने उनसे वहाँ पर आधी बात नहीं बोली। कैसे उनके कैसे ना कैसे करके मेरे परिवार के लोग वहाँ पहुँचे और मेरे कुछ मोहल्ले के मेरे लोग वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने मुझे कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकाला। फिर मैं अपने घर पहुँचा, जब रात का 1 बजे का समय हुआ तो वो मार पिटाई की वीडियो मेरी वायरल कर दी इन्हीं के थ्रू। उस पर जो है मेरे परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर अफसोस जाहिर किया और बहुत ज़्यादा गुस्सागर्दी जाहिर की, मगर मैंने अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आगे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कार्रवाई करूँगा। आज आप किससे मिलने आए थे? आज आए थे हम SSP के साथ में। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है भाई, इंसाफ चाहते हैं, मगर अभी हमने कोई कार्रवाई की नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह। रिजवान कुरैशी जी ने आपसे क्या कहा था? रिजवान कुरैशी जी तो बस वो तो धमकियाँ दे रहे हैं बराबर मुझे, और मुझे अब भी डर है कि अब मैंने आप लोगों को जो है स्पीच दी है, ना मालूम आगे मेरे साथ में क्या घटना घटी। मतलब क्या धमकी में क्या कह रहे हैं? धमकी में वो यही कह रहे हैं कि बोला, पहले तो उन्होंने यूसुफ अंसारी जी को बीच में डाला, उन्होंने कहा कि बोला यूसुफ अंसारी को कौन सा तेरा हिमायती, बहुत तूने उसका चुनाव लड़ा, आपको तुझे बचाने के लिए नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने मानने की भी धमकी दी क्या हम तुझे यहीं जान से मार देंगे। आप SSP से रिजवान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या अपनी सुरक्षा चाहते हैं? पहले तो मैं अपनी सुरक्षा चाहता हूँ, उसके बाद में मैं कार्रवाई करूँगा।